हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लीड एसिड स्टोरेज बैटरी सीसा अम्ल संचायक बैटरी कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, पूरा जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, संरचना, कार्य तथा सेवा के आधार पर सीसा अम्ल संचायक बैटरियों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पोर्टेबल बैटरीज और दूसरा है स्टेशनरीज बैटरीज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोर्टेबल बैटरीज के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की बैटरियों को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है। इनका प्रयोग अंतः दहन इंजनों के, सड़क वाहनों के प्रवर्तन, प्रकाशन, स्फुलन आदि के लिए पावर सप्लाई देने हेतु किया जाता है। इसलिए इन्हें SLI बैटरी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग रेलवे में भी किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टेशनरी बैटरीज के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन बैटरियों को एक बार किसी स्थान पर लगाने के पश्चात वहां से सेवा के दौरान नहीं हटाया जाता है। इनका प्रयोग स्टैंड बाई सिस्टम को पावर सप्लाई देने के लिए किया जाता है। प्रायः इनका प्रयोग शक्ति केंद्रों, उपकेंद्रों तथा टेलीफोन केंद्रों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग हूटर, हॉर्न, बजर, इमरजेंसी लाइटिंग उपस्करणों को विद्युत सप्लाई देने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।